लोकसभा लालू यादव के लिए नई नहीं है। 1977 में महज 29 साल में पहली बार संसद पहुंचे लालू यादव के नाम सबसे युवा सांसद होने का रिकॉर्ड भी है। 1973 तक लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और 4 सालों में वे लोकसभा सदस्य बन गए। 7 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने लालू यादव केंद्रीय मंत्री 5 साल ही रह सके। इसके बाद आखिरी चुनाव 2009 में लड़ा, तब वे सारण सीट से जीते और पाटलिपुत्र सीट से हारे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में लालू यादव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2004 में था। बिहार के 40 में से 22 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को जीत मिली। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बदले कि 2019 में राजद शून्य पर पहुंच गई। कह सकते हैं कि लालू यादव लोकसभा चुनावों में असरदार नहीं रहे। तेजस्वी यादव के सामने भी कुछ ऐसे ही हालात लगातार बन रहे हैं। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। लालू यादव ने 1997 में राजद की स्थापना की। 2004 में लालू यादव की पार्टी ने केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार की विदाई में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। 2004 में राजद ने 22 सीटें बिहार में जीती थी। इसमें सारण और मधेपुरा दोनों सीटों पर खुद लालू यादव ने चुनाव लड़ा और जीता भी था। जबकि 1999 में बिहार, जो कि तब संयुक्त बिहार था, तब राजद के पास 7 सीटें ही थी। इसमें लालू यादव मधेपुरा से पहली बार चुनाव हारे थे। 2004 में बड़ी जीत के बाद से लालू यादव और राजद के लिए हालात बदल गए। 2009 में लालू यादव की पार्टी राजद को सिर्फ 4 सीटें ही मिली। खुद लालू यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़े और 1 सीट पाटलिपुत्र से हार गए। तब से अब तक राजद के पास लोकसभा में कभी दहाई अंकों में सांसद नहीं रहे। राजद के लिए 2009 के चुनाव में जैसे हालात थे, 2014 में भी कमोबेश वही स्थिति रही। दोनों चुनावों के बीच लालू यादव सजा याफ्ता होकर चुनावी राजनीति से बाहर हो गए, जबकि उनकी पार्टी 2009 में भी 4 सीटों पर जीती और 2014 में भी राजद को 4 सीटें ही मिली। राजद के लिए 2009 के चुनाव में जैसे हालात थे, 2014 में भी कमोबेश वही स्थिति रही। दोनों चुनावों के बीच लालू यादव सजा याफ्ता होकर चुनावी राजनीति से बाहर हो गए, जबकि उनकी पार्टी 2009 में भी 4 सीटों पर जीती और 2014 में भी राजद को 4 सीटें ही मिली, जबकि उस चुनाव में राजद ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी पर तेजस्वी यादव का नियंत्रण आ चुका था। लेकिन 2019 में लालू यादव की पार्टी राजद अपने सबसे खराब दौर तक पहुंच गई। राजद कोई सीट नहीं जीत सकी। यह तेजस्वी यादव की पहली और सबसे बड़ी हार थी। इस चुनाव में लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती लगातार दूसरी बार पाटलिपुत्र सीट से चुनाव हारी। इस चुनाव में राजद के टिकट पर कई दिग्गज नेता हारे। इनमें मिसा भारती के अलावा शरद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रघुवंश प्रसाद सिंह, चंद्रिका राय, जयप्रकाश नारायण यादव, जगदानंद सिंह और सुरेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेता शामिल रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद की हार ने तेजस्वी यादव को फ्लॉप नेता का दाग लगा दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव चुनावी राजनीति से बाहर हो गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव का फेस इस चुनाव में उभरा और राजद एक बार फिर राज्य में सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी बन गई। हालांकि सरकार बनने के बाद भी बीच में ही गिर गई। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन दोहराया और सरकार बनाने से चूकने के बाद भी सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी का सहरा अपने सिर ही रखा। लेकिन लोकसभा चुनावों में तेजस्वी यादव की फ्लॉप नेता वाली इमेज अब भी बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी दल किसी और से लड़े, राजद, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बड़ी टेंशन यही है कि वे अपनी पार्टी और तेजस्वी के दामन से फ्लॉप वाला धब्बा मिटाएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइट लाइव। नमस्कार।